हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निशा कुमारी, स्वागत है आपका एमडे ऑनलाइन कंपटीशन में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसको PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे की, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अम्ल का स्वाद होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है किसके कारण? साइट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के कारण। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए हृदय। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय की असामान्य धड़कन, हृदय व ऑक्सीजन, रक्त की कमी, ध्वनि के रोग और हृदय की अनियमितता लयबद्धता का पता लगाने का परीक्षण है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सम्मेलन कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए सर्कराओ। इंसुलिन जो कि अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं से स्थापित होता है और सर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना RH का आर के एक शब्द है जिसे हम के संबंध में सुनते हैं, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी रक्ताधान। रक्त समूहों की खोज सर्वप्रथम 1901 में ऑस्ट्रेलियाई मूल के अमेरिकी जीव वैज्ञानिक कोलैंड स्टीनर ने की थी, जिसके लिए उन्होंने वर्ष 1930 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। RH एक एंटीजन है जो RBC लाल उदर कणिकाओं में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी 120/80। सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो तो 120 होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 होता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होता है ए RBC में। हीमोग्लोबिन यह एक लोह संपन्न प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का वहन करता है और रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रुधिर कणिका में बनती है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी अस्थि मज्जा। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कणिकाओं RBC का आकार होता है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी इनमें से कोई नहीं। लाल रुधिर कणिकाएं केवल कशेरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं। स्तनधारियों के लाल रुधिराणु उभयतल होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता। केवल ऊंट तथा लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, तो ये उभयतल हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए DNA। मानव के रक्त में पाए जाने वाले घटक कौन कौन से हैं? प्लाज्मा, RBC, WBC तथा रुधिर प्लेटलेट्स। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी अस्थि मज्जा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी लाल अस्थि मज्जा।
अस्थि के मध्य में मज्जा गुहा मेरु कैविटी होती है और जिसमें अस्थि मज्जा उपस्थित होती है उसके मध्य में मज्जा पीली तथा किनारों पर लाल होती है। लाल मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं कणिका में श्वेताणुओं तथा रुधिर पट्टिकाणुओं का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी हिपेरिन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी लोह है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए लोह आवश्यक खनिज लवण है और इसकी कमी से रक्तअल्पता हो जाती है और लोहे का अभिशेषण केवल 10% ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रुधिराणु के कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी 90%। मानव शरीर में रुधिराणु का लगभग 40 से 99% का भाग रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त में लाल रंग हीम के कारण होता है और लाल रक्त कण प्रत्येक श्वेत रुधिर कणिकाओं पर 600 गुना होते हैं। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाएं और लाल रुधिर कणिकाओं का अनुपात कितना होता है, 1:600 होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा 100 से 150 मिलीग्राम। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय का काम है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी संवेदनशीलता को ये कम कर देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा हार्मोन नहीं है, इसका राइट ऑप्शन होगा डी हीमोग्लोबिन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए 4। और 4 कौन कौन से होते हैं, ट्राइकस्विड, फिर सेकेंड है पल्मोनरी और थर्ड है मिट्रल और फोर्थ है एओर्टिक वाल्व। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड ये अपने सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, यह शरीर के बाहर का लगभग 17 से 18% होता है। अब आज के सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और कल फिर मिलेंगे इसी टाइम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स सभी को।